Hi guys, welcome to my channel. If you find this video useful, please subscribe the channel. Also share the video and like the video. तो इस वीडियो में हम डेकोरेटर्स की बात करने वाले हैं। हम डेकोरेटर्स फंक्शन को बनाएंगे और उससे जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको दो कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ फंक्शन के, ठीक है? सो बियर विद मी। सबसे पहला ये है कि फंक्शन को हम एज अ पैरामीटर किसी फंक्शन में पास कर सकते हैं पाइथन में। तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 2, ठीक है। फंक्शन 1 में मैंने पास किया डेफिनेशन एम आई, सेकेंड प्रिंट हाय, मैं इसको सेकेंड जो है मैंने पास कर दिया, ठीक है? तो ये हाय प्रिंट करेगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मैं सेकेंड को एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूँ, तो ये सेकेंड को यहाँ कॉल कर रहा है और इसका प्रिंट होगा हाय, ठीक है? तो ये बात क्लियर हो गई कि हम फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है सेकेंड कॉन्सेप्ट, फंक्शन वैल्यू, फंक्शन पास इनटू वेरिएबल। तो फंक्शन को हम वेरिएबल में भी पास कर सकते हैं, ठीक है? ये हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी ट्राई करते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया हेलो, प्रिंट हेलो, मैं यहाँ इस फंक्शन को, जो मेरा इनर फंक्शन है हाय, दैट इज माय इनर फंक्शन, इसको मैं रिटर्न करा रहा हूँ। और ध्यान से देखना, अब मैं इस फंक्शन को कॉल करा के उसको मैंने एन वेरिएबल में पास कर दिया। तो हेलो को जब मैंने कॉल कराया यहाँ पे, तो ये हेलो का वैल्यू नहीं होगा, ये इसका इनर फंक्शन को रिटर्न करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ रिटर्न हाई करा है। तो ये जो एन होगा ना यहाँ पर, ये डेफिनेशन हाई होगा, ठीक है? अब अगर मैं इसको एन को कॉल करता हूँ ना, मैंने हाई जो फंक्शन है उसको मैंने एन में पास करा लिया, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? अब मैं इसको कॉल करता हूँ ना, तो ये हेलो प्रिंट कर देगा, देखना, ये हेलो प्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने हाई जो फंक्शन था, क्योंकि मैंने यहाँ से रिटर्न किया हाई, इस हाई फंक्शन को मैंने इस एन में पास करा लिया। जब मैंने हेलो को कॉल किया, तो हाई जो है एन में पास हो गया, ठीक है? आई होप कि ये समझ में आ रहा है। तो अब बात करते हैं कि डेकोरेटर्स को हम कितनी तरीके से बना सकते हैं। बेसिकली डेकोरेटर्स जो एज अ फंक्शन भी हम क्रिएट कर सकते हैं और एज अ क्लास भी हम क्रिएट कर सकते हैं, वो हम दोनों करके देखेंगे, ठीक है? अब डेकोरेटर फंक्शन बनाते हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके, ठीक है? मैं एक डिवाइड का फंक्शन बना रहा हूँ, एक्स कॉमा वाई, ठीक है? प्रिंट मैंने लिखा एक्स डिवाइड बाई वाई, ठीक है? ये फंक्शन बढ़िया चलेगा अगर मैं डिवाइड 2/5 करूँ या 5/2 करूँ, एकदम बढ़िया चलेगा। देखो, चला के भी देख लेते हैं। सॉरी, डिवाइड 5/2 करूँ तो ये 2.5 बढ़िया चल रहा है एकदम, ठीक है? लेकिन अगर मैं 2 की जगह 0 कर दूं, तो यहाँ 0 डिवीज़न एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, उस एरर को हमें ट्राई एक्सेप्ट में डालना पड़ेगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? तो दो तरीके हैं, या तो मैं इफ कंडीशन इसके अंदर लगाऊं डिवाइड के अंदर, और या फिर इसकी एक्सेप्शन हैंडलिंग करूं, ठीक है? वो दोनों ही चीज़ें मैं नहीं करना चाहता, मैं इस फंक्शन की डेफिनेशन को चेंज करना ही नहीं चाहता। इस केस में मुझे डिकोरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि डिकोरेटर्स क्या होते हैं, किसी भी फंक्शन के बिहेवियर को चेंज कर देते हैं,
डिकोरेटर का यूज़ करके हम किसी भी फंक्शन के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं फंक्शनैलिटी को। तो देखो अभी इसको हम कैसे इसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करते हैं। मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ आउटर डिप करके, उसके अंदर मैंने फंक्शन पास किया। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि पैरामीटर को एज अ फंक्शन हम पास कर सकते हैं। इसके अंदर में एक इनर फंक्शन बनाया, इसमें दो आर्गुमेंट लिया, ठीक है। मैंने यहाँ कंडीशन लगाई इफ वाई इजिकल टू 0, ठीक है, रिटर्न 0, ठीक है, अदरवाइज रिटर्न हम एक्स डिवाइड बाई वाई, ठीक है, और रिटर्न इनर, ठीक है। यहाँ पर मैंने किया आउटर डेव और डिवाइड को मैंने पास कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और ये एक नया फंक्शन मुझे रिटर्न करके दे दिया, इसकी फंक्शनैलिटी चेंज हो गई। डिवाइड बन मैं इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है। ओके नाउ लेट्स सी, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने एक फंक्शन लिया, उसमें मैंने फंक्शन पास कराया डिवाइड, ठीक है, दिस वन। इसके अंदर मैंने एक इनर फंक्शन बनाया, उसमें दो वेरिएबल थे। मैंने यहाँ कंडीशन देखी कि वाई का वैल्यू 0 है तो मेरे को 0 रिटर्न 0 कर देगा, अदरवाइज रिटर्न करेगा फंक्शन एक्स डिवाइड बाई वाई, और उसके बाद मैंने रिटर्न इनर किया, ठीक है। तो जब मैं आउटर डेप को कॉल कर रहा हूँ, मैं रिटर्न इनर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ इनर को जब कॉल होगा रिटर्न इनर, तो ये फंक्शन ही कॉल कर रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये जो डिवाइड वन होगा ना, दिस वन फंक्शन होगा, या तो ये होगा या 0 वैल्यू होगी इसकी डिवाइड वन की, ठीक है। तो मैं प्रिंट करके देखता हूँ डिवाइड वन, थोड़ा समझ आ जाएगा। ठीक है, ये आउटर डिप का इनर फंक्शन बता रहा है कि ये जो है डिवाइड वन है, ये फंक्शन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 3/5 करके देखता हूँ या 5/2 करके देखता हूँ, सेम आर्गुमेंट पुराने वाले। तो ये क्या बोल रहा है, सॉरी फिर से सेम गलती हो गई, 5,2। अब क्या कह रहा है, डिवाइड मिसिंग वन रिक्वायरमेंट पोजिशन, यहाँ पे सेम एरर, हाँ ठीक है, ये 2.5 मुझे प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये एक्चुअली रिटर्न कर रहा है इसलिए नन कर रहा है, मेरे को प्रिंट हटा देता हूँ मैं यहाँ पे 5,2। अब मैं यहाँ 0 करता हूँ, ठीक है, पहले 5,2 से रन करते हैं, 2.5 दे दिया, अब मैं 0 करता हूँ, तो देखते हैं ये क्या करेगा। ये 0 दे दिया मुझे, तो क्या हुआ कि इस बार एरर नहीं दी इसने 5,0 पे, इसने इसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर दिया और मुझे 0 आउटपुट दे दिया जब मैं 5,0 कर रहा हूँ तो, ठीक है, 0 से डिवाइड कर रहा हूँ तो। इसी को लिखने का एक और तरीका है, वो है सिंटैक्टिक डिकोरेटर। सिंटैक्ट डिकोरेटर मीनिंग, ठीक है, मीनिंग अभी तक हमने इस तरह लिखा आउटर डिव और डिव डिव बन करके, मैं इसको डेफिनेशन डिवाइड एक्स कॉमा वाई है प्रिंट कर दूं एक्स डिवाइड बाई वाई, और यहाँ पे एट द रेट का यूज करके आउटर डिप को, तो भी मेरा सेम ही वर्क करेगा ये, ठीक है, करके देख लेते हैं। प्रिंट डिवाइड 5,0, ठीक है,
ये जीरो दे रहा है, कोई एरर नहीं दे रहा, तो मैं एट द रेट आउट ऑफ डिप करके भी यूज कर सकता हूँ डिकोरेटर। तो बेसिकली दिस इज द डिकोरेटर। मैंने क्या किया, आउट ऑफ डिप को एज अ डिकोरेटर यूज किया विद द हेल्प ऑफ एट द रेट और डिवाइड के ऊपर लगा दिया, ये है रैपिंग। तो मैंने फंक्शन की रैपिंग कर दी, तो ये हमारा हो गया डिकोरेटर। ठीक है, अब हम एज अ क्लास देखते हैं कि डिकोरेटर्स को एज अ क्लास कैसे बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज द कोड ऑफ काउंट कॉल्स, राइट। मैंने एक क्लास बनाई हुई है काउंट कॉल्स नाम की। तो बेसिकली क्या है कि हर वो एंटिटी को हम डिकोरेटर्स एज अ डिकोरेटर्स यूज कर सकते हैं जो कॉलेबल है, राइट। जैसे फंक्शन हमारे कॉलेबल है, तो हम उसको एज अ डिकोरेटर यूज कर सकते हैं। क्लास हमारी कॉलेबल है, उसको हम एज अ डिकोरेटर यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी क्लास है काउंट कॉल्स, ठीक है। इसमें हमने अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल मेथड लगाया हुआ है, मैजिक मेथड है, ठीक है। और इसमें एक इनिशियलाइज मेथड लगाया हुआ है जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, फंक टूल्स का यूज करके, फंक टूल्स एक लाइब्रेरी है, ठीक है। और अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल क्या करता है, जितनी बार भी हम कॉल करेंगे वो इसका वैल्यू को बढ़ा देगा, ठीक है। फंक्शन की नम कॉल्स की वैल्यू बढ़ा देगा। तो देखो, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे फिर से लिखूं से हेलो, ठीक है, तो नॉर्मली से हेलो मैं लिख रहा हूँ तो मेरे को से हेलो ही प्रिंट करना चाहिए, लेकिन मैंने एज अ डिकोरेटर्स यूज किया है क्लास को काउंट कॉल्स की, तो ये लाइन भी प्रिंट करेगा जो अंडरस्कोर और अंडरस्कोर कॉल के अंदर है, ठीक है। देखा, और ये कॉल टू यूज कर रहा है क्योंकि हम सेकंड बार कॉल कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम थर्ड बार कॉल करेंगे तो वो तीसरी बार कॉल थ्री ऑफ से हेलो बोलेगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो डिकोरेट्स बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी है, जो बिहेवियर है, उसको अपडेट कर देते हैं विदाउट चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। और हम इनको एज अ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं और एज अ क्लास भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों मेथड हमने देख लिए हैं। तब तक के लिए थैंक यू, एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।